धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को उड़ीसा के तालचर में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्र प्रधान, जो पूर्व सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे, और देवेंद्र प्रधान पेशे से चिकित्सक थे। माँ का नाम बसंत मंजरी है। धर्मेंद्र प्रधान प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद तालचर कॉलेज उड़ीसा से माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी की। छात्र जीवन से ही आरएसएस की शाखाओं में सक्रिय रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बनकर छात्र संघ की राजनीति शुरू की। 1985 में तालचर कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1995 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव भी नियुक्त किए गए। उत्कल विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी मानवशास्त्र से पीजी की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 2000 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में पल्हाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर नरसिंह को पराजित करके पहली बार विधायक चुने गए। 2004 से 2006 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में देवगढ़ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री बल्लभ को पराजित करके पहली बार सांसद चुने गए। 2009 के विधानसभा चुनाव में पल्हाड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, बीजू जनता दल के प्रत्याशी रवि नारायण से चुनाव हार गए। 2010 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। 2012 में बिहार प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुने गए। 2014 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। 2018 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुने गए। 2019 में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। जुलाई 2021 में धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया। 2024 के आम चुनाव में उड़ीसा के संबलपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और बीजू जनता दल के प्रत्याशी प्रणव प्रकाश दास को पराजित करके दूसरी बार लोकसभा सदस्य चुने गए। सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिक्षा मंत्री बनाए गए। धर्मेंद्र प्रधान का विवाह मृदुला प्रधान से हुआ। दोनों के दो बच्चे, एक बेटा निशांत व बेटी नमिषा है।